हेलो 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 दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से खतु गेमर चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ GTA 5 का नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत दिनों बाद आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी कुछ दिनों पहले। तो आज मैं आपके लिए बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी आवाज़ के साथ लेके आ चुका हूँ GTA 5। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आज का मिशन देखने के लिए, मिशन देखते देखते। तो मिशन देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो भेज दिया करो और स्टेटस भी लगा दिया करो कभी कभार, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस मिशन को, देखते हैं आज हमारे पास कौन सा मिशन आने वाला है। और पहले मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा चिल, क्योंकि मेरा हो रखा है थोड़ा माइंड अपसेट। तो ले लिया मैंने अपने हाथ में दारू की बोतल और डाल दी है अपने एक छोटे से गिलास में, एक बढ़िया सा पटियाला सा पैक, और घुमा के और पी लूँगा मैं इसको बिल्कुल। और आ गया है थोड़ा मेरे को सुरूर, थोड़ा चखना मिल जाता तो और मज़ा आ जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है, बिना चखने की हम इस वीडियो को सॉरी इस दारू को पी लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आज कौन सा मिशन आता है। तो ये मेरी बेटी और ये मेरी बीबी है, दोनों की जो बनती नहीं है आपस में दोनों की, क्योंकि कोई माँ पे गया कोई बेटे पे गया, सॉरी कोई बाप पे गया, तो दोनों की बनती नहीं है। और मैं इनके चिक चिक बाजी से हो चुका हूँ परेशान, हूँ मैं अपना क्वार्टर लेके आ चुका हूँ बाहर बालकनी में स्विमिंग पूल के सामने, और यहाँ पर मैं मारूंगा चिल। और सुट्टा पीते हुए यहाँ पर ईयरफोन ठूस लेता हूँ कान में, क्योंकि इनकी बकवास है मुझसे सही नहीं जाती है, सर दर्द हो जाता है इनके सुनते सुनते। इसीलिए बोलते हैं शादी कम किया करो, माने कि मत ही किया करो, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो थोड़ा चिल मार लेता हूँ और सो जाता हूँ यहाँ पर। और सूरज की रोशनी हो चुकी है दोस्त। ओ ये मेरा दोस्त आ गया है यहाँ पर, फ्रैंकलिन आ चुका है यहाँ पर, और बहुत ही दिनों बाद फ्रैंकलिन से मुलाकात हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे मिलके इससे। और बहुत ही दुखी नजर आ रहा है मुझे इस टाइम पे, पता नहीं क्या हो गया है इसको। और मैंने इससे वादा किया था वैसे बियर पीने के लिए, तो इसको मैं बियर पिलाऊंगा पहले। वैसे सुन लेते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है इसकी, क्या हो गया इसको ऐसा जो ये उदास उदास सा बैठा हुआ है मेरे सामने। Call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. तो मैं भी निकल चुका हूँ, क्योंकि मेरे लिए उसके लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे काम धंधे। और मेरे बच्चे का कॉल आ गया, मेरा बेटा पता नहीं कुछ बोल रहा है मेरे से। ओ भाई मेरे बेटे ने कर दिया है कान, और उसने कर दिया है मेरी शिप गायब।
अरे सिप चोरी करवा दिया, साथ में खुद भी चोरी हो चुका है यहाँ पर। ओ भाई मुझे अपनी सिप भी बचानी पड़ेगी और मुझे अपना बेटा भी लाना पड़ेगा वापस। बेटे से मुझे इतना लगाव नहीं है पर फिर भी सिप के चक्कर में मुझे बेटे को भी बचाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है फ्रैंकलिन ने ऊपर वाले की सुन लिए और फ्रैंकलिन को मुझे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा इस मिशन के लिए। तो फ्रैंकलिन भैया हो जाओ तैयार और तुम्हें मिलेंगे इसके बहुत ढेर सारे पैसे। तो बैठो मेरी गाड़ी की अगली वाली सीट में और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मिशन आ चुका है हमारे पास अपनी सिप बचाने का। अब देखते हैं मेरे लौंडे ने कहाँ सिप को चोरी करवा दिया है, ढूंढते हैं फटाफट से। तो भगाते हैं गाड़ी को और खोलते हैं अपने घर के गेट। और जा चुका हूँ मैं अपने घर के बाहर और मुझे ढूंढनी है अपनी सिप फटाफट और अपने लौंडे को भी लाके आना है फटाफट। लौंडा ऐसा पैदा कर रखा है मैंने कि कुछ ना कुछ कांड करते रहता है। तो मेरा लौंडा पैसों के लिए सिप बेच रहा है, ऐसे ऐसे लौंडे क्यों पैदा करते हो भाई? आपके घर में वैसे लौंडे तो उनको घर से बेदखल करो और जायदाद अपने पत्नी के नाम करे, सॉरी बेटी के नाम करे, पत्नी भी बहुत बेवफा हो जाती है। तो मैं जाता हूँ पहले सिप ढूंढने के लिए फटाफट से फ्रैंकलिन के साथ और मुझे करना है ये टास्क पूरा, सॉरी टास्क अपने सिप को वापस लेके आना है। देखता हूँ कहाँ मेरी सिप मिलेगी। और ये लौंडे सही से गाड़ियाँ भी नहीं चलाते, रास्ते में इंडिकेटर भी नहीं देते हैं। तो मुझे इनको फटाफट से साइड करके अपनी सिप को लेके आना है क्योंकि मेरा सर में अभी सिप सवार है, सिप सिप और सिप ही सवार है। तो मुझे कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा है और मैं कहीं से भी घुस सकता हूँ अभी क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। और भगा देते हैं गाड़ी को बिल्कुल हवाई जहाज की स्पीड में। और फ्रैंकलिन को टास्क मिल ही चुका है फाइनल। मुझे लगा था वो सुधर जाएगा मेरी तरह पर मुझे क्या पता कि मेरा लौंडा ऐसा कांड कर देगा तो मुझे फ्रैंकलिन को फिर से चोरी के लिए मजबूर करना पड़ेगा। पर ये चोरी नहीं है, अपना सामान वापस लाने वाला सीन है। तो ये अपनी चीज़ को वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई वो रही मेरी सिप, बहुत देख सकते हो दोस्तों आप, मेरी सिप को बड़ी वाली ट्रैक्टर उठा के लेके जा रही है, माने बड़ी वाली ट्रक उठा के लेके जा रही है। मुझे वो सिप लेके आनी है और उसमें मेरा लौंडा भी है। और फ्रैंकलिन को ये करना पड़ेगा फटाफट से, मुझे गाड़ी के पीछे भागना पड़ेगा पहले। ओ भाई गिरा ना दे कहीं मेरी सिप को, बल्कि संभाल भाई संभाल के ले जा मेरी सिप, गिरनी नहीं चाहिए नहीं तो मैं पिछवाड़ा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा तेरा, आगे से भी और पीछे से भी। सिप को आराम से लेके जाओ, मुझे फ्रैंकलिन को बोल दिया मैंने ऊपर चढ़ने के लिए सिप के ऊपर। फ्रैंकलिन भैया आराम से चढ़ना, मुझे सिप चाहिए अपनी हर किसी भी हालत में। तो भाई फ्रैंकलिन बहुत ही तगड़ा आदमी है भैया, वो किसी से भी नहीं डरता। गाड़ी के ऊपर चढ़ा है बोनट के, पर फिर भी डर नहीं लग रहा उसको। भाई उछल, अब उछल जाए यहाँ पर से। ओ भाई पकड़ लिया उसने सिप यहाँ पर हमारी और चढ़ चुका है हमारा फ्रैंकलिन भैया ऊपर की तरफ। ओ भाई साहब, पर भाई उतनी तेज़ गाड़ी भगा रहा है कि मुझे लगता नहीं कि सिप को बचा पाऊंगा मैं, कहीं गिरा ना दे मेरे सिप को। ओ भाई किसी ने पकड़ लिया है फ्रैंकलिन को, भाई नीचे फेंक दे फ्रैंकलिन भैया इसको। और फ्रैंकलिन भैया बिल्कुल जोश में है, वो भाई बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी हिला तो फ्रैंकलिन सीधा नीचे आएगा जमीन पर गाड़ी। ओ भाई एक की कर दी है इसने हत्या, एक गिरा दिया है फ्रैंकलिन भैया ने नीचे। और देखते हैं, और अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, इसमें बोट बिल्कुल खाली लग रही है और छुप गया है यहाँ पर फ्रैंकलिन। और एक बंदा और आया अंदर से और देख लिया उसने फ्रैंकलिन को और पकड़। ओ भाई उसके हाथ में गन भी है, भाई उसके हाथ में गन भी है और इसको बचाना पड़ेगा किसी भी हालत में। वो भाई इसने गला पकड़ लिया है फ्रैंकलिन का। वो मुझे कोई बात दिक्कत नहीं है, मैं गोलियों का निशाना लेता हूँ उस पर नीचे से। फ्रैंकलिन भैया तो डटे रहो, मैं गोलियाँ मारता हूँ। ओ भाई मैंने एक गोली मारी, लगी नहीं इसको। ओ भाई साहब निशाना थोड़ा, ओ भाई लग चुकी है, इसका सर फट चुका है, गिर चुका है ये भी नीचे। ओ अब हो चुकी है इस साइड से बोट खाली। मेरा लौंडा कहाँ है? लौंडा नहीं दिख रहा मुझे, अपना लौंडे को पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है उन्होंने अंदर की तरफ। ओ भाई लौंडा तो मिल गया मुझे सही सलामत, लौंडा मिल गया है मुझे, सिप भी बचानी है, सिप बचा पाऊंगा कि नहीं। ओ भाई लौंडा, भाई साहब लौंडा हो चुका है सीधा आगे, थोड़ा सा भी लौंडे। ओ भाई ट्रक आ गए मेरे आगे पीछे, मेरे को भी दिक्कत हो रही है, मेरे को लौंडे को अपनी गाड़ी में डालना पड़ेगा किसी भी हालत में। गाड़ी आगे करता हूँ, भाई कूद जा, भाई कूद जा अभी मत कूद। ओ भाई एक गुंडा और है उसमें, सारे आ चुके हैं बाहर और भाई क्या क्या फेंक रहे हैं। ओ भाई एक और गिरा दिया मैंने नीचे, भाई कूद जा कूद जा कूद जा कूद जा। ओ भाई लौंडा मैंने अपना कर दिया है सुरक्षित, यहाँ पर बचा दिया मैंने अपने लौंडे को, अब उसको कोई खतरा नहीं है। पर मेरा फ्रैंकलिन भैया उसको भी बचा। ओ भाई एक लौंडा और गिरा दिया नीचे, फ्रैंकलिन को बचाना है मुझे लगता है। और गाड़ी की मेरी ऐसी तैसी हो गई है, मुझे लगता नहीं मैं आज बचा पाऊंगा अपने सिप को, और मुझे फ्रैंकलिन को बचा के लाना है किसी भी हालत में अगले मिशन के लिए। तो फ्रैंकलिन को भाई कूद जा, तू भी कूद जा यहाँ से, भाई गाड़ी थोड़ा रुक जा, वेट कर थोड़ा वेट कर, गाड़ी सामने आएगी तो तुम से कूद जाना नीचे। भाई फ्रैंकलिन बहुत ही जज्बाती वाला आदमी है, बहुत ही तगड़ा आदमी है, डरता नहीं। और भाई इसको भी मैंने बचा लिया है फ्रैंकलिन को भी, और ये कूद चुका है गाड़ी के ऊपर। दोस्तों मेरी सिप तो चली गई है, मेरी गाड़ी अब चल नहीं पाएगी ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता मैं सिप बचा पाऊंगा। पर कोई बात नहीं, मैंने फ्रैंकलिन को और अपने लौंडे को बचा लिया है दोनों को बड़ी मुश्किल से। दोनों को मैंने बचा लिया सेव, अब मुझे अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी रिपेयर करने के लिए, नहीं तो ये कभी भी फट सकती है, मुझे ढूंढना पड़ेगा फटाफट से। मुझे लगता नहीं मैं सिप बचा पाऊंगा, सिप जा चुकी है आगे की तरफ, अब मुझे सर्विस के लिए देनी पड़ेगी गाड़ी अपनी।
chop shop back there, dog. If you drive us there, we can get the ride fixed. तो दोस्तों मैं लेके जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को इस बार सर्विस में, सर्विस कराने के लिए, क्योंकि इन दोनों ने, सॉरी मेरे लोंडे ने मेरा मूड बिल्कुल कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म, मैंने बिल्कुल ख़राब, और मेरी सिप गई है, अब मुझे बचा नहीं पाऊँगा अपनी सिप को कभी। अब ढूंढते हैं गैराज कहीं पर जहाँ पर सर्विस हो पाए गाड़ी की, नहीं तो थोड़ी सी भी टकरी और ये फट के हाथ में आ जाएगी और हम भी इसके साथ तहस नहस हो जाएंगे। मुझे मरने का शौक नहीं है अभी, मुझे दोनों को बचाना भी है। भाई मेरा हो चुका है मूड खराब बिल्कुल, माने सॉरी माइकल का मूड हो चुका है दोनों को देख के खराब, क्योंकि इन दोनों ने कर दिया इन्हें सर का दर्द। मैं बुला रहा हूँ अपने लिए टैक्सी और ये दोनों खुद ही अपने मेरी गाड़ी को सर्विस करा के घर तक पहुँचा देंगे। मैं अपनी टैक्सी करके निकल लूँगा, एक बार मैं सर्विस सेंटर ढूँढ लूँ तो मैं अपनी टैक्सी लेकर निकल लूँगा। इन दोनों ने कर दिया है सर में बिल्कुल मेरा दर्द, ज़्यादातर मेरे लौंडे ने, क्योंकि उसने मेरी प्यारी सी सिप को मेरे हाथ से खो दिया है बिल्कुल। अब मैं उसको कभी पा नहीं पाऊँगा अगली बार, तो मैं सर्विस सेंटर ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं अपनी टैक्सी करके मैं निकल लेता हूँ फटाफट। देखते हैं कहाँ पर मिलता है सर्विस सेंटर। एक गाड़ी में थोड़ी सी आग लगने वाली है और उसके बाद एक गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाएगी, अब मुझे संभल के ले जानी पड़ेगी गाड़ी, बिल्कुल ही संभल के ले जानी पड़ेगी। इन दोनों ने बिल्कुल सर में दर्द कर दिया है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत सारा वाला दर्द बोलते से। भाई मिल गया है मुझे रिपेयर करने का यहाँ पर सर्विस सेंटर, और मैं यहाँ से उतर जाता हूँ। मुझे इन दोनों के साथ नहीं जाना है क्योंकि इन्होंने कर दिया मेरा सिर दर्द। मैं अपने लिए टैक्सी रोक लेता हूँ पहले, ये दोनों अपनी सर्विस करा के, माने गाड़ी की सर्विस करा के आ जाएंगे। भाई मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ दोनों के दोनों सर्विस कराए, गाड़ी घर में पहुँचा देना। मैं टैक्सी रुकवा देता हूँ अपने लिए, मैं निकल लेता हूँ टैक्सी में। तो मैंने टैक्सी रुका ली अपनी और मैं चल दिया हूँ यहाँ पर से टैक्सी में बैठ के। तो इन दोनों के लिए टाटा बाय बाय यहाँ से। तो माइकल तो चला गया अपने घर में ओला करके, तो मैं निकल चुका हूँ अपने उसमें से सर्विस कराने के लिए। तो मैं सर्विस कराने के लिए आ चुका हूँ, हो चुकी है मेरी गाड़ी बिल्कुल चकाचौंध और एक नंबर की गाड़ी, दो मिनट में सर्विस हो चुकी है मेरी गाड़ी की, क्योंकि पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सीन है। और मैं अब छोड़ के आता हूँ इसके लोंड माइकल को लोंडो के घर में, और इसकी गाड़ी को घर में छोड़ के आता हूँ फटाफट। अब मुझे गाड़ी बिल्कुल संभाल के ले जानी पड़ेगी, नहीं तो माइकल फिर से गुस्सा हो जाएगा। तो फटाफट से इनके घर में चलते हैं और छोड़ के आते हैं गाड़ी को और इसके साथ में लोंडे को, और वहाँ से अपना मिशन करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही हो GTA 5 की, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों इस वीडियो पर, जितना हो सके उतना आगे बढ़ाते रहें हमारी चैनल को और वीडियो को साथ में। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, इसके घर की तरफ, माइकल के घर में गाड़ी को रख के आते हैं, इसकी प्यारी सी खूबसूरत सी गाड़ी को। और अपने लोंडे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है माइकल, अगर घर में दिख गया लोंडा तो बहुत ही मारेगा उसको कुत्ते की तरह पीट पीट के। अभी देखते हैं क्या होता है। अब गाड़ी मुझे बिल्कुल बचा के ले जानी है, थोड़ी सी भी टूटी तो फिर ओ भाई थोड़ी सी बच गई, नहीं लगी यहाँ पर, नहीं तो बच हो जाता अभी भी टंडा भर इसमें गाड़ी में। ओ भाई कोका कोला वाली गाड़ी जा चुकी है सामने से बिल्कुल, पेप्सी वाली गाड़ी यहाँ पर, कोका कोला वाली जिसको आप पीते हो यहाँ पर, ऐसे ही वाली गाड़ी जाती रहती है पूरे गेम शो में। तो मुझे माइकल का घर बिल्कुल सामने ही है, मुझे पहुँचना है दो मिनट का रास्ता यहाँ पर से, और गाड़ी छोड़ के आता हूँ, मिशन कम्प्लीट करता हूँ अपने फटाफट। आने वाला माइकल का घर बिल्कुल सामने, आपको दिख ही गया होगा माइकल का घर। Hey, you play right to slaughter? Nah,
तो दोस्तों ये आ चुका है माइकल का घर, और मैं इसकी गाड़ी और बच्चे को यहाँ छोड़ के चला जाता हूँ यहाँ पर से, और गेट खुल जाता। ओ भाई सर्विस की ऐसी की तैसी कर दी है यार, गाड़ी ठुक चुकी है थोड़ी बहुत, पर कोई बात नहीं, चलेगा गाड़ी का। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर से, और इसका लोंडा मेट से कर रहा है ढेर सारी बकवास है, और मैं इस पर मैं भी इस पर खुद गुस्सा हो रखा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरा लोंडा नहीं है तो मेरा कोई हक नहीं इस पर गुस्सा करने का, तो मेरी तरफ से तो भाड़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मिशन हो गया कंप्लीट, मुझे मिल जाएगा माइकल दे देगा पैसा, और मैं गया यहाँ से तुम्हारे लिए, बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। तो दोस्तों हो चुका है हमारा मिशन कंप्लीट यहाँ पर, फादर सन वाला, तो हमारा मिशन हो चुका है कंप्लीट यहाँ पर। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसी हम आपके लिए GTA की बहुत सारी ढेर सारी गेम लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, टाटा, बाय बाय।